अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं जी आप लोग सब? आप लोग सब ठीक होंगे और अपने घर में खुश और आबाद होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं बना रही हूँ सिंपल सा चिकन का सालन। तो मैं किस तरीके से बनाती हूँ ये मैं आज आपको बताती हूँ। ये देखिए जी फ्रेंड्स, ऑयल मैंने अपने हिसाब से ले लिया है। इसमें मैंने अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया। मैं इसमें डाल दूँ चिकन। तो चिकन फ्रेंड्स मेरी 1 किलो से थोड़ी सी ज़्यादा है और ये काट के रखे हैं मैंने इस तरीके से टमाटर। अच्छा जी फ्रेंड्स, मसाला देखें जी, यहाँ पे अदरक लहसुन और हरी मिर्च अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। यहाँ पे देखें जी, मैंने तकरीबन आधा किलो से थोड़े से ज़्यादा है टमाटर मैंने काट कर दिए हैं। ये फ्रेंड्स चिकन है, इसको मैंने अच्छे से 3-4 पानी से अच्छे से वॉश करके रखा हुआ था टोकरी के अंदर। मैंने इसमें डाल दिए, अभी इसको इसी मसाले के अंदर अच्छे से फ्राई कर लेती हूँ जब तक इसका पानी अच्छे से वॉश नहीं हो जाता। इसको अच्छे से फ्राई करती हूँ। इसको मैं फ्राई कर लूँ फिर मैं आपको बताती हूँ दूसरे इसमें क्या क्या मसाले डालेंगे। जी फ्रेंड्स, चिकन आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट तक इसको नॉर्मल आंच पे अच्छे तरीके से भुनाई करके इसकी, और देखिए पानी ड्राई कर चुकी हूँ। अभी इसमें मैं डाल रही हूँ मसाले, और मसाले में क्या क्या डाल रही हूँ मैं अभी आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये टमाटर मैंने अभी आपको दिखाए हैं, ये हैं प्याज बारीक मैंने काट लिए हैं, 4 प्याज हैं दरमियानी साइज के बारीक बारीक इस तरीके से काट ली हैं। और ये है मसाले, हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, और ये हल्दी है, ये थोड़ा सा सूखा धनिया पाउडर है, और नमक, और ये एक साशे जाएगा कढ़ाई मसाले का। तो चले जी फ्रेंड्स, जितनी मुझे ज़रूरत है थोड़े थोड़े से मैं इसमें मसाले डाल देती हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, मसाले में सारे डाल चुकी हूँ। ये मैंने 1 चम्मच भर के लाल मिर्च पाउडर डाला है, आधा चम्मच हल्दी, आधा चम्मच सूखा धनिया पाउडर, थोड़ा सा नमक लिया है अपने जायके के टेस्ट के मुताबिक, और ये ले लिया 1 साशे मैंने कढ़ाई मसाले का। अभी इनको इसमें डाल के अच्छे से पका लेती हूँ अच्छे तरीके से। तो फ्रेंड्स ये देख सकते हैं मसाला मैं अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और ये है फ्रेंड्स, इसको हमारे घर में कहते हैं जी चिकन भुना। तो ये चिकन भुना जो है सालन वो हमारा तैयार हो रहा है। तो जब जल्दी जल्दी होती है ना कुछ भी पकाने की, तो मैं फटाफट से चिकन मंगवा के तो ये इस टाइप का सालन जल्दी से बना लेती हूँ। ये बहुत मज़ेदार और बहुत टेस्टी बनता है, आप भी ज़रूर कभी ट्राई कीजिएगा। ये देखिए जी, अच्छे से मसाला इसका हो चुका है फ्राई। दूसरी चीज़ इसमें ऐड कर रही हूँ टमाटर और प्याज। तो चलें जी, मैं इसमें सबसे पहले टमाटर डाल रही हूँ, मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। अच्छा जी फ्रेंड्स, देखें जी यहाँ पे मैंने तकरीबन आधा कप तकरीबन पानी डाल दिया है। अभी मैं इस तरीके से मैं इसके ऊपर देखें जी टमाटर रख देती हूँ। टमाटर जब सॉफ्ट हो जाएंगे तो इनका मैं छिलका आराम से मैं आपको बताऊंगी मैं किस तरीके से उतारती हूँ। तो अभी देखें जी, मैं आपको पूरा रख के दिखाती हूँ। फिर ये बहुत इजी रेसिपी, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा चिकन भुना। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने टमाटर इसके ऊपर डाल के उल्टे करके रख दिए हैं, और इसके ऊपर से भी मैं उतारूँगी छिलका टमाटरों के ऊपर से। और प्याज देखें जी, इस तरीके से मैंने सारे डाल दिए, और पानी मैंने आधा कप इसलिए डाला है ताकि हमारा चिकन जो है वो नीचे से चिपके ना। और बस इसको हल्की आंच पे, मैं बिल्कुल हल्की आंच पे इसको छोड़ दूंगी, और फिर थोड़ी देर के बाद मैं आपको दिखाती हूँ, तकरीबन 5 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। जी फ्रेंड्स, इस पर मैंने देखें जी मिर्ची भी डाल दी। अभी इसको मैं ढक के बिल्कुल हल्की आँच पर रख देती हूँ, तो फिर मैं आपको 5 से 10 मिनट के बाद दिखाती हूँ इसका फाइनल रिज़ल्ट। अच्छा जी फ्रेंड्स, अभी हम लोग देख लेते हैं अपने सालन को। मुझे तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं, मैं अपने कामों में मसरूफ़ थी तो मैंने हल्की बिल्कुल आंच पे इसको छोड़ा हुआ था। तो चले फ्रेंड्स इसका रिज़ल्ट देख लेते हैं। अच्छा जी फ्रेंड्स, धुएँ देख सकते हैं आप, खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है पूरे घर में, और मैं निपटा रही थी, काफ़ी मेरे काम थे वो मैं निपटाने लग गई थी। तो आप देखें जी, मैंने इसको बिल्कुल स्लो आँच पर यूँ कह लें कि दम ही लगाया हुआ था इसको मैंने। तो ये देखें जी, अभी मैं इसको टमाटर के छिलके जो भी हैं इनको सबको ऊपर से उतार लेती हूँ, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसकी भुनाई करके। जी टमाटर के छिलके मैं किस तरीके से उतारूँगी, तो ये देखें जी, एक छिलका मैं आपको उतार के दिखा देती हूँ। इस तरीके से बहुत आराम से उतर जाएँगे, तो मैं उतार लूँ तो फिर आपको दिखाती हूँ।
जी फ्रेंड्स, इसके ऊपर से मैंने देखी जी टमाटर के छिलके अच्छी तरीके से सारे उतार चुकी हूँ। तो चिकन देख सकते हैं आप, पूरी तरीके से अच्छे से गल चुकी है। अभी मैंने फुल आंच इसकी कर दी है और ये चिकन का ही पानी है। बस मैंने थोड़ा सा आधा कप बस इसमें पानी डाला था जब मैंने इसको दम लगाया था। तो बस जी इसको खुश कर लेते हैं और ये देखें छिलके कितने ज़्यादा मैंने उतारे हैं इसके ऊपर से। तो चले फ्रेंड्स, इसकी मैं भुनाई अच्छे से कर लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ इसका रिज़ल्ट। अच्छा जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं चिकन की भुनाई अच्छे से हो चुकी है और फाइनल जो इसका रिज़ल्ट था वो आपके सामने। इसकी मैंने अच्छे से भुनाई कर ली और इतना ज़बरदस्त सा सालन फ्रेंड्स बन के तैयार हो चुका है। इसके ऊपर मैं डाल देती हूँ हल्का हल्का सा, ये देखें जी, धनिया। तो धनिया फ्रेंड्स डाल के मैं एक मिनट के लिए सिर्फ इस पे ढक्कन ढकूँगी और ये मज़ेदार सा, ये देखें जी, चिकन भुना हमारा तैयार हो चुका है। अगर आप लोग चाहें तो इसमें ग्रेवी रख सकते हैं और हम लोग बस इसी तरीके से खाएंगे खाना। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आज की वीडियो फ्रेंड्स आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय, खुदा हाफिज़।